श्री संजय सिंह। धन्यवाद माननीय, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे यह साफ लगता है कि इनको देश के लोग शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है, बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर, प्लीज हैव योर से, नो वन शुड बी ऑन द चेयर। माननीय, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। माननीय, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ओल्डेस्ट। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक, मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 20,000 करोड़, जस्ट मेक योर पॉइंट। उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो सर, यहाँ इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती, जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते? संजय रावत जी यहां बैठे, 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की, सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर, बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रहते हैं सर संजय रावत, मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है, आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। मैं सर ऑनरेबल दिल्ली वन सेकंड इन लोगों ने क्या कहा, वो बता के बात खत्म करूंगा। ऑनरेबल मेंबर, हमारे ऑनरेबल मेंबर,